बाई चांस मार्केट में खबर उड़ती उड़ती हुई आ रही है कि किसी का सर कलम होने वाला है। बात सिंपल सी, अगर पाकिस्तान टीम सीरीज हारती है तो सारा का सारा दोष किस पे? कप्तान पे। पाकिस्तान टीम अगर सीरीज जीती तो क्रेडिट किसे? प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, ग्राउंड स्टाफ को, कप्तान बेचारा किसते ही चला जाता है। हाँ, अगर किसी बड़ी टीम से मैच जीत जाए तो फिर कप्तान का नाम आ ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ा बलि बलि का बकरा जो बनता है ना पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो बनता है कप्तान। तो समझ ही चुके होंगे आप लोग कि किसका सर कलम होने वाला है इस बार। सर कलम होने वाला है शान मकसूद का। लाइक वो बंदा जो ना लाइक 6 से 7 मैचेस मुसलसल हार चुका है अपनी कैप्टेंसी में। लाइक कुछ ड्रा भी कर चुका है बट हार चुका है, जीता अभी तक एक भी नहीं है। सो चांसेस आर कि वो बंदा जो ना मतलब सर कलम होने के लिए लाइक बलि का बकरा बन चुका है। अब किसी भी उस पे बांडा फोड़ने वाली है, और अब देखना ये होगा कि आने वाले मैचेस में कौन बनेगा कप्तान, क्योंकि रिजवाने तो कर दी शर्तों की बारिश कि भैया मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रिटर्न फॉर्म में, चाहे चेयरमैन बदले, चाहे बोर्ड बदले, चाहे जो भी बदले, मेरे को कप्तान ही कप्तान रहना है, मेरे को बदलने का नहीं। ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए इन रिटर्न फॉर्म, जिसमें मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊंगा। ये नहीं होगा कि ये ताए का बेटा, ये पुप्पी का बेटा है, ये मिनिस्टर का कुछ लगता है, ये पीएम का कुछ लगता है, ना जी ना, ऐसा नहीं चलेगा। जो परफॉर्म करेगा, जो मेरे पे होगा, मैं उसे ही गिनाऊंगा। तो इसमें आप बोर्ड वाले थोड़े शक पे, अगर ये कप्तान बन गया और इसे हमने सारी की सारी अथॉरिटी दे दी, ठीक है, ये तो ये चीज खत्म कर लेगा कि ताए अब्बू और मामू का जो है ना सीन है, ये तो खत्म हो जाएगा। बट शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये अपने प्रोविंस सारे के सारे प्लेयर्स को ला कर रखते। बट अगर सच बात कहूँ तो केपी कैसे जो है ना लाइक बहुत से प्लेयर है जो कि लाइक डिजर्व करते इन अ प्लेइंग 11 ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम, जो कि डिजर्व करते। लाइक आजकल के बॉलरों को हम देखें ना, जो कि नसीम शाह है केपी कैसे, जो कि शंशा अफरीदी है केपी कैसे, जो कि रिजवान है केपी कैसे, जो कि फखर जमान है केपी कैसे, जो कि वसीम जूनियर केपी कैसे, जो कि इफ्तिखार अहमद है केपी कैसे है, जो कि मोहम्मद नवाज है केपी कैसे है। लाइक जो कि पाकिस्तान की स्ट्रोंगेस्ट प्लेइंग 11 बनती हो ना, वो केपी कैसे ही बनती है। तो बोर्ड को जरा ये भी डर है कि अगर ये बंदा आ गया तो केपी की सारी टीम आ जाएगी, फिर लाइक हमारी और प्रोविंसेस को ही तरजीह नहीं देगा। लाइक थोड़ी बहुत लाइक उनका होगा, थोड़ा बहुत रसा उनकी होगी, बट वैसी वाली नहीं होगी जैसे लाइक अब हो रही है। सो भैया सिंपल सी बात है कि ये बंदा जो है ना कप्तानों की शर्त कप्तान के लिए शर्तों की बारिश पे अंबार कर चुका है। अब ये जो है ना कप्तान तभी बनेगा जब इसकी ये शराइत मानी जाएगी, इसे सारी की सारी अथॉरिटी दी जाएगी, तब जाकर ये बनेगा कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और उसने एक बड़ी शर्त की कि मुझे वाइड बॉल फॉर्मेट में दोनों दोनों फॉर्मेट में लाइक कैप्टन बनना है, एक में नहीं है, लाइक सिर्फ ओडीआई में नहीं, T20 में भी और ODI में भी, दोनों में ही मुझे कैप्टनसी चाहिए, नहीं तो फिर रहने दो, फिर मैं नहीं करनी। सो भैया शान मकसूद बच्चे की अब बनने वाली है बलि, कटने वाला है सर। कल जो एम एस की बात ही मैंने सुनी थी यार, क्लासिक बात ही थी, जो भी कही थी पत्ते की बात ही कही थी। बट यार अफसोस हो रहा है शान मकसूद के लिए, जो कि लाइक सब पे गुजरे, लेकिन खैर अब वो भी इसे फेस करने वाला है। कैप्टनसी तो उसने ले ली, बट अब उस कैप्टनसी पे वो जो है ना मतलब उस कैप्टनसी से उसकी राह जुदा होने वाली है। तो चलो देखते हैं सर में सीन क्या होता है। बाय द वे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सीन जो ना, वो थर्ड सिनेरियो है। बांग्लादेश इंडिया तो जीत चुके हैं, बांग्लादेश का जो ना अभी थर्ड मैच होने वाला है, देखते क्या वर्ल्ड फर्स्ट होते हैं या नहीं। सो आज की वीडियो में बस इतने।